जब भगवान कृष्ण की भागवत सुनाई जाती है तो पहले 9 स्कंद सुनाए जाते हैं, 10वें स्कंद में तब ठाकुर जी आते हैं। क्यों? क्योंकि 9 स्कंद यदि मनी राम को तुम सुना दोगे तो मन की गर्भोद अवस्था आ जाएगी, मन पिघल जाएगा। फिर जब मन पिघल जाएगा तो तुम जैसा रूप देना चाहते हो, जो इस रूप में भगवान को उतारना चाहते हो या भगवती को उतारना चाहते हो, उसी रूप में तुम्हारे सामने खड़ी होगी। है ग्रीव दानव की कथा आप लोग सुनोगे, महिषासुर की कथा आप लोग सुनोगे, धूम्रलोचन या रक्त बीज की कथा तुम सुनोगे। वो कामना बीज को जप कर रहे हैं और जिस स्वरूप को लेकर के वो जप कर रहे हैं उसी स्वरूप में भगवती उतर के आ रही है। यद्यपि तामसिक है लेकिन भगवती तामसिक ही बन के आती है। ये तो तुम्हारी भावना के ऊपर निर्भर करता है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही भगवान उतर करके आने के लिए तैयार है। अवतार का मतलब यही होता है कि उतर के आना। आप गाते तो हो, भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, है ना? गाते हो ना भागवत के अंदर। क्यों आता है? भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। अरे भक्त है भावना के ऊपर निर्भर, जैसा तुम बनाना चाहो वैसा ही बन सकता है। समर्पित करना ही पड़ेगा। जब समर्पित हो जाएगा, ठीक है ना, ये कार्यकर्ता, ये माता जो खड़ी है, ज्यादा इशारे ना करे, ये माता को बोलो, ये जो पुलिस वाली खड़ी, रहने दो आप, ठीक है, ये सब आप चिंता ना करो। कल्पना से कड़ा पाषाण भी नहीं हो सकता।
यहाँ देवता की तरह पूजते बहुत हैं, लेकिन सज्जनों हर व्यक्ति हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि उस पत्थर के अंदर से भगवान को निकाल। तुम्हारे अंदर तो बसता है ना वो दृष्टि, आंखों से तो पत्थर ही दिख रहा है वो, लेकिन वो पत्थर के अंदर से भगवान बन करके कैसे निकल रहा है वो तुम्हारी भावना निकाल। मीरा ने भी उस पत्थर को देखा, तुम्हें भी उस पत्थर को देखा, लेकिन मीरा ने उसी पत्थर के अंदर से भगवान को निकाल लिया और हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। सूरदास जी वही पत्थर उंगली पकड़ करके वृंदावन ले गया है ना, तुम वृंदावन जाकर भी उसकी उंगली नहीं पकड़ पाते, ना पकड़ पाते क्या, ले गया क्यों? भावना कम दिखावा जाता। फिर कहते हैं महाराज जी फल नहीं मिलता, अरे ये लिखा है यहां, और हम घटित घटना बता रहे हैं, आज की घटना नहीं नहीं बता रहे हैं, फिर भी तुम्हें सच ना आए तो हम क्या करें क्या, फिर भी पागलपन का दौरा पड़ा तो हम क्या करें? कोई अपनी कमी होगी, कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं और इसी कारण फिर परेशान। आज देखिए लोमस ऋषि के पास बैठ करके क्या विधि से दोनों पति पत्नी ने श्रीमद देवी भागवत का प्रायण। हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं, जैसा वो बता रहा है जो करवा रहा है, जैसे तुम चाह रहे हो उसी अनुसार करवाओगे। आज लोग यही तो पूछते महाराज जी पहले से ज्यादा धर्म कर्म कर रहे लोग, पहले से ज्यादा पूजा पाठ कर रहे लोग, पहले से ज्यादा भागवत हो रही है आज, लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मनमुखी हो गए। क्या मनमुखी नहीं हुआ? मनमुखी एक बार क्या, दो बार क्या, एक करोड़ बार भी करवा लोगे वो फल नहीं मिलने वाला। जो विधि के अनुसार करवाने से जो सामने वाला करवाना चाहता वैसा तुम करो, क्या क्यों नहीं फल मिलेगा? अब राजा दुर्दम ने यदि हमारे ऋत्वाक मुनि के पास बैठ करके ये बात कही कि मुझे ऐसा बेटा मिलना चाहिए जो मनवंत्र बने, मनु बने, मनवंत्र का अधिपति बने, बताए इतनी लंबी चौड़ी उम्र कहां से ले आएगा? क्योंकि एक मनु का कार्यकाल 30,000 करोड़ वर्ष का होता है, यहां 100 वर्ष पूरे हो जाए वही भली बड़ी बात है। और वो क्या मांग रहा है? और वो ऋषि क्या कह रहा है कि तुझे मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि 9 बार श्रीमद देवी भागवत का प्रायण करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसा इसमें लिखा है वैसे पहले इसको पढ़ा करो, फिर करवाया करो, फिर है आनंद। तो क्या चलो दूसरों की भी मत मानो, पहले इसको पढ़ लो और फिर करवाओ इसको, फिर तुम्हें मजे का पता लगे। पहले पढ़ो इसको और फिर करवाओ, इसमें सारी विधियां लिखी हुई है। मैंने कहा ना उसने 7वें दिन कहा था राजा परीक्षित को फल मिलने के लिए कि मुझे 7वें दिन मिल जाए फल, क्या 7 दिन में मुझे यह प्राप्ति हो जाएगी? और उसी राजा परीक्षित को वो प्राप्ति 4थे दिन हो रही है और तुम्हें सारी जिंदगी होगी सुनते सुनते क्या मिला? बोलो। और 9वें स्कंद में आने के बावजूद भी जब 1 श्लोक में पूरी भागवत सुना दी और चुप हो गए मुनि सुखदेव, तो महाराज मुनि सुखदेव की आंखों में आंसू भर आए, मुनि सुखदेव रो पड़े। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को रोता हुआ देखकर वो आंखों में आंसू भर के बैठा है और बिल्कुल गुरु के सामने ही कह रहा है, गुरुदेव आपने चंद्र वंश का वर्णन किया बिल्कुल अच्छा लगा, आपने सूर्य वंश का वर्णन किया बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन मेरे ठाकुर की जो पहली आंख बुझाकर के चुप हो गए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? अभी तो मन में वो प्रवेश करने लगा और तुम चुप हो गए। भैया जैसे लोहे को पिघलाने के लिए 1250 या
1300 डिग्री गर्मी चाहिए, और यदि लोहा पिघल गया तो उसे कुछ भी बना सकते हो आप, स्टेट बना सकते हो आप, पंखा बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हो, ग्रिल बना सकते हो, चौखट बना सकते हो, दरवाजे बना सकते हो, लेकिन कब? जब लोहा पिघल जाए तब। जब तक लोहा पिघलेगा नहीं कोई आकार नहीं दे पाओगे आप। ठीक इसी तरह जब तक तुम्हारा मनी राम पिघल ना जाए, क्यों? क्योंकि लोहे से भी कठोर है ये, पल पल में बदलता है, पल पल में रंगीन हो जाता है ये, जितना इसको समझाओ। उगाते तो हो, ये मन बड़ा चंचल है ना, ये समझता नहीं है, और जितना समझाने की कोशिश करो, जितना भजन पे बैठने की कोशिश, उतना ही भागेगा। इसलिए पहले अपने मनी राम को कथा सुना सुना करके, सुना सुना करके, सुना सुना करके उसको नॉर्मल बना लो, क्या पिघला लो उसको, फिर जो जैसा आकार तुम देना चाहते हो, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो प्राप्ति हो जाएगी। जैसे राजा परीक्षित को, उसने पहले अपने मनी राम को 9 स्कंदों को सुनाया है, और जब 9 स्कंद पूर्ण रूपे ने सुन लिए, फिर मन पिघल गया और उसने कह दिया, जो गुरुदेव तुम देना चाहते हो मुझे प्राप्त हो गया। सिद्धोष्मि अनुग्रहीतोष्मि भवता करुणात्मनः। क्या आपकी करुणा कृपा से मुझे मिल गई वो चीज? ये वही राजा कह रहा अपने मुख से, बताइए। इसलिए उस राजा का मन जब ऐसा हो गया, आज गृहस्थी जो उसके नाम के पीछे लगा था वो हटा दिया और कह दिया उस ऋषि ने, सम्यक विशेषता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम। क्यों क्यों? तो कि वासुदेव कथायन्ते यज्जाता नष्ट कीरति। वासुदेव कथायन्ते यज्जाता नष्ट कीरति, तेरी नैष्ठिक प्रीति के कारण, तेरी नैष्ठिक रति के कारण, तेरे प्रेम के कारण आज तू इंसान ना होकर के ऋषि बन गया। क्यों? क्योंकि जो मुझे नहीं प्राप्त हुआ वो तुम्हें मिल गया। और बात भी सच्ची कहता हूं सज्जनों, जो प्राप्ति वक्ता नहीं कर सकता वो श्रोता कर सकता है। क्यों क्यों? क्योंकि वक्ता को तो कंठ भर जल में रहना पड़ेगा, तुम पूरी डुबकी लगा सकते, वक्ता नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यदि इसने पूरी डुबकी लगा दी तुम्हें बताएगा क्या खाक? बोलो, गंगा जी में कोई उतरा हुआ है, तुम बाहर खड़े हुए हो और गंगा जी में उसने नाक पड़ के डुबकी लगा दी, और बाहर से तुम पूछ रहे हो, भैया बताओ कैसा लग रहा है, क्या बताएगा वो? क्यों? उसने जल में डुबकी लगा रखी है, कुछ सुनाई देगा उसको? बोलो। और यदि गर्दन ऊपर आ गई, फिर पूछेगा भैया कैसा लग रहा है, बोले भैया बड़ा मजा आ रहा है, आओ तुम, है ना? हमें उसकी तरह कंठ बस जल में रह जाना पड़ता, लेकिन तुम पूरी डुबकी का आनंद ले सकते हो, तुम कितना भी उतर सकते हो। और यदि उतर गए तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें दीदार हो सकता है, यहीं बैठे बैठे एक दिन में। क्या लोग 7-7 दिन में कहते क्या भगवान में जा रहे, यहां एक दिन में मिलता है। लेकिन हमारी सर्दी है क्या, कि जैसे स्वप्न लेने के लिए तुम्हें शरीर से दूर जाना पड़ता, सपना भी तभी आएगा जब शरीर से दूर चले जाओगे, शरीर को भूल जाओगे तभी स्वप्न देख पाओगे। ठीक इसी तरह जब तुम शरीर को भूल जाओगे उसी समय ठाकुर का दर्शन पा जाओगे, भगवती का दर्शन, मां भगवती सामने खड़ी होगी, उस आनंद में डूब जाओगे। इसलिए यहां ऋत्वाग ऋषि ने राजा दुर्दम के सामने ये बात रख दी, भाई तुझे मिल जाए। और बाकी सज्जनों, कौन सा ऐसा कार्य है जो इंसान नहीं कर सकता?
जब वो निराकार ब्रह्म को साकार बना सकता है, निर्गुणा शक्ति को साकार रूप में परिणित कर सकता है, तो क्या नहीं दे सकता तुम? क्या क्या प्राप्ति नहीं कर सकते तुम, बशर्ते तुम खुद ठीक हो जाओ? हमारी कामनाएं ये हैं, हमारी दिमाग की खोपड़ी ऐसी है, हम अपने आप में धर्मात्मा बनते हैं और दूसरे के अंदर कमियां देखते हैं। अरे बेवकूफ आदमी, पहले अपने आप को सुधार। दूसरे के अंदर कमियां वही देखेगा कौन जिसमें खुद में कमियां बैठी हो। क्या मान जाइए, जिसमें खुद में कमी नहीं होगी वो दूसरे के अंदर कमियां नहीं ढूंढेगा। रुक्मणी अम्मा के अंदर कोई कमी नहीं थी, ठाकुर ने 70 कमियां निकाल दी, लेकिन उन अवगुणों को भी गुण में परिणित कर दिया। उस पढ़िए चरित्र रुक्मणी अम्मा। क्या ठाकुर ने बिल्कुल कह दिया, मेरी माँ का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं, मेरे कुल का पता नहीं, मेरे खानदान का पता नहीं, मेरी जाति का पता नहीं, मेरी पाति का पता नहीं, मैं डर के मारे वहां रहता हूं, लोग मुझे नचकैया कहकर के पुकारते हैं, सारे मुझे उल्टा कहते हैं कि तेरी माँ भी गोरी, तेरा बाप भी गोरा, तेरा भाई भी गोरा, तू कहां से आ गया काले कलूटे? क्या? और सारी उल्टी उल्टी बात कह दी, और यहां तक भी कह दिया तू मुझे छोड़कर जा सकती है। क्यों? क्योंकि कहां तुम और कहां मैं। और जब ये बात कही रुक्मणी अम्बा ने, एक एक बात को किस रूप में प्रणीत किया यार, पढ़ के तो देखो। कहा ठाकुर ठीक ही तो कह रहे हो। क्यों? क्योंकि कहां तुम और कहां मैं एक जीव और तुम ईश्वर, तेरा मेरा मुकाबला ही क्या है। देखिए सज्जनों, अवगुणों में भी गुण ढूंढना, ये उन महान पुरुषों का काम। इसलिए रुक्मणी अम्बा के सामने झुक गए और सारे काम रुक्मणी अम्बा के ठाकुर को करने पड़े। क्या? उसने कहा मेरी जाति का पता नहीं, मेरी पाति का पता नहीं। कहा ठीक ही तो कह रहे हो ठाकुर, क्योंकि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तुम्हें तो जो पुकारता है मेरे ठाकुर तुम वही पूछ जाते, कोई जाति पाति। बिल्ली ने बुलाया उसके घर पहुंच गए, सबरी ने बुलाया उसके पास, विदुर ने बुलाया उसके पास पहुंच। क्या? जो भाव से तुम्हें बुलाया तुम्हें उसके पास। फिर कहा आपने मेरे माँ बाप का कोई पता नहीं है, कि ठीक ही तो करें, आप ही तो सबके माई बाप है ना। जिसका कोई माँ बाप नहीं होता वो अनाथ भी होता है, और जिसका कोई माँ बाप नहीं होता वो सबका बाप भी होता है। क्या? फिर विश्वनाथ के इस संसार में हम अनाथ कैसे हो सकते हैं प्यारे? इसलिए सज्जनों, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, देवी भागवत तो यही कह रहा, बल्कि तुम्हारी विधि सही होनी चाहिए। क्या? तुम्हारे क्रियाकलाप सही होने चाहिए। ये देखिए ऋत्वाक मुनि ने यदि कह दिया कि 9 बार तू ढंग से बैठ करके इस कथा को पियोगे तो जैसा तुम चाहते हो वैसी चीज ले। और बाकी सज्जनों, यहां बैठ करके जहां तुम लोग बैठे हो, राजा दुर्दम ने 9 बार श्रीमद् देविक भागवत नवाह प्रायण करवाया है, और जो ही 9 बार करवाया उसके घर एक बेटे की उत्पत्ति हुई। अरे वहां की बात छोड़िए भैया, तुम अपने आदर्श नगर की ही ले लो ना। यदि निष्ठा से हमारा अमित बंसल लगा रहा उस बात को लेकर के, वो बिटिया लगी रही, वो बैठी है तुम्हारे सामने, इस बात को लेकर यदि लगे रहे कि जैसे महाराज जी कहते वैसा मिलेगा, तो देख ले गोद में अपने बेटे को लेकर के बैठी है कि नहीं बैठी है। क्या पाया कि नहीं पाया? कुछ बेहुदे ऐसे भी लिए कि यहीं बैठ करके बेचारे बेकार भी घूम रहे हैं। क्या
उनको कुछ नहीं प्राप्ति हुई, बल्कि जो इज्जत थी वो भी गवा दी। क्या? जो बन करके चली थी वो भी गवा दी। यही के उदाहरण ले लो मेरे से, दूर मत जाइए, यही का ही वो लाडला है, यही सब कुछ प्राप्ति कर ली। ये बैठी सिरसा से आने वाले कृष्णा, इससे पूछ करके देख लो, यदि मैंने कहा माँ ऐसे चलोगे राजा, ऐसे यदि चलोगे तो तुम्हें ये प्राप्ति हो जाएगी। इनका बेटा 11 साल से इनके घर में नहीं आ रहा था, ये सामने बैठी है, ये मेरे सामने न्योता लेकर के जब गई तो क्या मेरा बेटा आ जाएगा? मगर यदि इस धारणा से करवाएगी तो मेरा ठाकुर जरूर तुम्हारे बेटे को ले आएगा। और ये इससे पहले आस्था चैनल पे आई, और जब इन्होंने उसी धारणा को लेकर के इस कथा को करवाया तो तीसरे दिन इनका बेटा इनके घर आ गया था। ये सामने बैठी है जो 11 साल से नहीं आ रहा था, तीसरे दिन इनके घर में था, ये बैठी है सामने। लेकिन भाई अपने मनमुखी अनुसार करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, शर्त यह है कि जैसा इसमें लिखा है उसे। फिर मैं वही कह रहा हूं, ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाने से पहले 1600 उपचार से गोवर्धन की पूजा करवाई है ब्रजवासियों से। यद्यपि कहने लगे हमारी कमर टूट गई कि यमुना दूर है भाई, पानी की व्यवस्था बगल में कर देंगे, लेकिन नियम तो निभाना ही पड़ेगा। ठाकुर ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया लेकिन नियम निभाया, और जब नियम निभाया तो जैसा वो चाहते थे वैसा गोवर्धन जी महाराज ने करके दिखाया। क्यों? और नहीं तो क्यों फिर चक्कर काट के आते हो, क्यों परिक्रमा करके आते हो? पागल हो क्या? ये दुनिया पागल है क्या? बोलो, पागल नहीं है। पहले तुम अपने नियम पर सही हो जाओ। कौन ऐसा मां बाप होगा जो बेटा बेटी की बात नहीं मानेगा? यदि लायक बेटा बेटी है तो मां बाप पीछे हट जाता, बेटा तू आगे हो जा, चल तू कर। फिर तुम क्यों नहीं मान रहे इन बातों को, क्यों नहीं कर रहे उन चीजों को, जब तुम्हारे सामने ये प्रमाणित हो रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है? क्या और पांच में मनु बने हैं, फिर वो देवी भागवत होने के बाद उनका बेटा बना पांच में मनु, रैवत नाम के मनु, मनवंतर की अधिपति बने हैं। लेकिन किसकी कृपा से? मां भगवती की कृपा से। फिर वही दोहरा रहा हूं जो शुरुआत में बात लेकर के चला था, जय अंबे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी तुम कौन से दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, अम्बे अम्बे गौरी। फिर गाइए, हम तो जब से भगवती की सेवा में लगे हैं ऐसी कोई कामना नहीं जो हमारी अधूरी रही हो। आज संतों ने भी यदि गौ हॉस्पिटल के लिए ड्यूटी लगाई है क्या, तो 8 एकड़ जगह लेकर के घेर दिए 1.5 साल में। कितनी? 8 एकड़ जगह। और हमने भूमि पूजन का समय छपवाया था कब का? 26 जनवरी से 2 फरवरी। और भगत पीछे पड़े हुए कि महाराज जी नवरात्रों में कर लो। लो, हम सोच रहे थे भाई जनवरी में करेंगे क्या, और हमारे भक्त पीछे पड़े हुए महाराज जी नवरात्रों में कर लो, नवरात्रों में कर लो। और मेरे को जच रही है
वो भूमि पूजन नवरात्रों में ही होगा। देखिए समय से पहले हो रहा ना, क्या समय से पहले हो रहा कि नहीं हो रहा है? हाँ, फिर तुम्हारे समय से, समय जाने पर भी नहीं होते क्या? मैं अपनी बता रहा हूं भाई, यद्यपि मेरी कथा लखनऊ में है वो 6 से 13 नवरात्रों में, लेकिन इतना जोर दवा, क्योंकि परसों ही मेरे पास पहुंच गए वो लोग आश्रम पर, महाराज जी करो ना शुरुआत। बोली, मैंने कहा दीवार पे 1 करोड़ रुपया लगेगा, करे फिर चिंता क्यों कर रहे हो, आपके पास बैठी तो भगवती अपने आप निकाल निकाल के दे देगी, करो बताइए। हाँ, कृष्णा कह रही है महाराज शुरुआत तो करो, अमित रावलो कह रहे हैं महाराज जी वो कॉपी दो हमें, बताइए। उड़ीसा से आकर के कहाँ कह रहा है, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, ये भगवती बुद्धि पकड़ के ले आई ना, तो हम कौन करने कराने वाले हुए बताइए? क्या कहाँ उड़ीसा हुई और यहां आकर के प्रोग्राम करवा रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं यहां, तो काम इनके बनेंगे भैया जो परमार्थ के लिए चल पड़े। तुम आकर के महाराज खुद तो करे ना, दूसरे की भी टांग खींचने हो जाए, तुम तो केवल परेशानी रहोगे सारी जिंदगी, ये लिखवा लो मेरे से, परेशानी कोई नहीं हटा सकता फिर। इसलिए मेरा कहने का भाव ये कि भैया इस कथा को उस ढंग से करो जैसा इसमें लिखा है, और यदि उसी ढंग से करोगे तो कौन कहता कि भैया काम नहीं होता। राजा परीक्षित का चरित्र उठा करके देख लो, वज्रनाभ का चरित्र उठा करके देख लो, प्रहलाद का चरित्र उठा करके देख लो, ध्रुव का चरित्र उठा करके देख लो, सूरदास का चरित्र उठा करके देख लो, मीरा का चरित्र उठा, किसी चीज का चरित्र उठा करके देख क्या। और सज्जनों मैं तो साफ कह रहा हूं भाई, अपनी कोई इच्छा नहीं, जो ड्यूटी लगती रहती है वो करते रहते क्या। महात्मा मैंने ड्यूटी लगा दी, अब चल पड़े भाई। मैंने ना तो कभी ये सोचा था कि मैं महात्मा बनूंगा, ना कभी ये सोचा था कि कभी आश्रम का भी अधिपति बनेंगे, कोई आश्रम में बैठेंगे, बैठ भी गए ये भी नहीं सोचता कि वृंदावन रहेंगे, है ना, वृंदावन में रहना भी शुरू कर दिया। देखा रहने के बाद ये भी नहीं सोचा कि हॉस्पिटल भी ड्यूटी लगेगी, जैसे हनुमान जी को थोड़ा पता था कि लंका में जाकर के लंका फूंकनी भी पड़ेगी, है ना, वो तो राम जी ने मैसेज भेज दिया, अरे हनुमान जी उस काम में लग गए, ठीक है ना। तो ठीक इसी बात है भैया, राम जी जो मैसेज भेज देते हैं वो संतों के माध्यम से कहलवाएं या किसी के माध्यम से कहलवाएं, भेज तो वही मैसेज रहे हैं ना, ठीक है ना। इसलिए उस काम को कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी को भी देखोगे या भोले बाबा को भी देखोगे, भगवती ने आकाशवाणी की है, आप देखोगे है ग्रीव, एक एक वाघबीज की आकाशवाणी हुई, उसी वाघबीज को उसने पकड़ा। निवारण मंत्र में एक वाघबीज है, एक कामना बीज है ना, ठीक है ना, एक लक्ष्मी बीज कह लीजिए, ठीक है ना, तीन है मंत्र निवारण, तीन बीज है वो। एक को पकड़ा महाराज, उसने वो विजय प्राप्त कर ली जिसको मारने के लिए भगवान को है गरीब ही बनना पड़ा। बताइए कथा सुनोगे आप कल, बताइए। इसलिए मेरे भाई बहन जरा समय निकाल के आया करो, बैठो, मैं फिर कह रहा हूं, जब आकर के यहां बैठोगे भैया, अग्नि का ताप उसी को लगेगा जो अग्नि के पास बैठेगा, उसी का शरीर शुद्ध होगा जो जल को छुएगा, जल को डालेगा अपने शरीर के ऊपर। आओगे ही नहीं, बैठोगे नहीं, तो कामना सिद्धियां कैसे होगी, ठीक है ना। हमारी भगवती तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देव है भैया, ठीक है ना, एक बार यदि सिरे पट खोल दिए तो सारी दुनिया को जीत सकते हो तुम, ये मनमंत्र का अधिपति बना के रखेगा। बोलो हाँ, और थोड़ा टाइम पे आना शुरू कर दो, ठीक है ना, क्योंकि कामना सिद्धि के लिए टाइम जरूरी है, यात्रा सही समय पर पूरी करनी है, और यदि ट्रेन 2 बजे की है तो कितने बजे जाओगे स्टेशन, बोलो लेट लतीफ,
मुझे दिखता है, ठीक है ना। हाँ हाँ आ जाइए, आ जाइए, तो अपनी भड़ास निकाल लीजिए, कई बार बार इशारा कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो टाइम पे आ जाना भैया, कितने बजे आओगे? अच्छा स्टेशन पे 2 बजे। एक नंबर के झूठे हो तुम, कई उंगली दिखा रहे हो, जब आओगे तब मानूंगा। ऐसे हाँ या ना करने से नहीं, मुझे यहाँ सामने बैठे हुए दिखाई दोगे तो मैं भी भगवती से निवेदन कर दूंगा, माँ इनका काम जरूर कर। भाई तभी कर सकते हैं यदि तुम अपने नियम को निभाओगे, क्यों माता, है ना। बोले वृंदावन बिहारी की जय। माँ पराम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मैया की जय। या सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। व्यास मंच पे विराजमान पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, भगवत प्रेमी भक्तों, आज हम आप सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है, आस्था भजन चैनल के माध्यम से भी देख रहे भक्तों को भी यह सुलभ अवसर माँ जगदम्बे सेवा समिति के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है। हम आप अपने जीवन में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, अन्य ग्रंथ श्रवण करते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ और यह शायद सच है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा यदा कदा ही कभी हमें श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त होता है। ना तो इसके इतने श्रोता ही हैं और ना प्रवक्ता ही। पूरे विश्व की बात करें तो महाराज श्री को भी ज्ञात है कि 2-4 ही प्रवक्ता ऐसे पूरे देश में हैं जो श्रीमद् देवी भागवत की व्याख्या करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत की सुंदर कथा श्रवण कराते हैं और उसमें एक सरल भाव से, एक सहज भाव से श्रीमद् देवी माँ भगवती के चरित्र को व्यक्ति के हृदय में उतारने का जो कार्य कर रहे हैं वह एक है पूज्य महाराज श्री, जो बड़े ही सुंदर ढंग से माँ भगवती के चरित्र को भक्तों के अंदर उतारते हैं। तो ये इतना सुंदर जो शुभ अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है, इसे मत गवाना, क्योंकि यह इतना सुंदर अवसर है। श्रीमद् देवी भागवत अभी आप श्रवण करेंगे महाराज श्री के मुखारविंद से, कि कितना अमूल्यवान यह ग्रंथ है, किस किस चीज की प्राप्ति हमें करा सकता है, जिस ग्रंथ के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो प्रतिदिन जो आस्था भजन चैनल से इस कथा से जुड़े हुए हैं वह नित्य प्रति ठीक 3 बजे से अपने चैनल को ऑन करके इस कथा को श्रवण जरूर करें। आदर्श नगर निवासियों से मेरा निवेदन, करबद्ध प्रार्थना कि आप लोग भी इस मौके को हाथ से न जाने दें, ठीक 2:45 बजे कथा पांडाल में पहुंच के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और माँ भगवती के चरित्र को अवश्य श्रवण करें। इसी भगवती के चरित्र में अभी कुछ समय पूर्व पूज्य महाराज श्री ने जो गौ हॉस्पिटल का संकल्प लिया है उसके निमित्त आपको सारी जानकारी लगभग दे दी है। कुछ जानकारियां हम प्रतिदिन आपको देते रहेंगे। उसी गौ अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए माँ भगवती के सुंदर चरित्रों को श्रवण करते हुए जिन भक्तों ने गौ माता के निमित्त अपना सहयोग प्रदान किया है उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पूर्व, नाम की घोषणा करने से पूर्व, हमारे बीच बहुत दूर से पधारे पटना बिहार से आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुन रहे पटना निवासियों से या जो भी उस पटना के आसपास क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ा ही सौभाग्य की बात, बड़ा ही सुखद दिवस कि 19 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन, जिस कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल पे होगा गांधी मैदान पटना बिहार से, वह भक्तगण आज हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्री रविकांत वर्मा जी सह परिवार पटना बिहार से हमारे बीच पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आइए, जिन भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री संजय जी बुलंदशहर से 3100 रुपए, एक बार जोरदार तालियां भाई संजय जी के लिए। महेश जी नरेला से 2100 रुपए, सतीश जी बवाना से 3100 रुपए, अमित गुप्ता सिरसा से 5100 रुपए का सहयोग प्रदान करें, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। श्री सुरजीत जी महाराष्ट्र से 5100 रुपए, जगजीत जी देहरादून से 2100 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सुमिता जैन पूना से 5100 रुपए, अजय चावला भटिंडा से 11000 रुपए का सहयोग प्रदान करें, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। श्री मोहित जी 5100 रुपए,
ममता शर्मा रेस कोर्स दिल्ली से 9000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए। माँ प्राम्बा जगदम्बा की कृपा इन पर निरंतर इसी प्रकार बनी रहे। हमारे मध्यस्थ श्री वर्मा जी पधारे, जो 19 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक अपने समस्त साथियों के सुंदर सहयोग से पटना विहार में एक विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का करवाने जा रहे हैं, और उस कथा का सीधा प्रसारण आप सभी देख सकेंगे आस्था चैनल पे। जो भक्तगण इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं पटना के माध्यम से, या पटना में जो भक्तगण इस समय चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन कि पटना विहार के आगे जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करके आप उस आयोजन से, उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आरती की तरफ चलने से पूर्व पुनः आपको अवगत कराते हुए, जो भक्तगण आस्था भजन चैनल के माध्यम से अपना सहयोग गौ माता के अस्पताल निर्माण के लिए प्रदान करना चाहते हैं, आस्था भजन चैनल पे जो हमारा स्क्रोल मैटर प्ले हो रहा है उस पे HDFC अकाउंट नंबर, इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट DD या चेक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं, और फोन कॉल्स के माध्यम से हमारे आश्रम में, कार्यालय में हमारे पदाधिकारीगणों को आप अवगत करा सकते हैं। आपके नाम की घोषणा इसी प्रकार मन से की जाएगी। तो आइए अब चलते हैं सुंदर पावन आरती की ओर। बोलो माँ पराम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मैया की जय। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी। हमारे बीच कुछ महानुभाव पधारे हैं जिन्हें मैं आरती में आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री अनिल गर्ग टंडन रोड से, श्री प्रेमचंद जी टंडन रोड से, श्री कैलाश चंद गुप्ता जी मंच प्यार आकर के सुंदर माँ पराम्बा जगदम्बा की आरती का आनंद सुमनाएंगे, आरती करेंगे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लेंगे। जिन जिन के नाम लिए हैं शीघ्रता से हुआ भक्तगण मंच पर आ जाएं, और आज के मुख्य यजमान के रूप में श्री राम कुमार बंसल जी परिवार के समेत वही भी मंच पर आकर के आरती करेंगे। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायत स्रोत्राद वाय सुप्राण समुखाद अग्नि रजायत। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम कौन सिजन जावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी, मांग से दूर विराजत की को भगवत को मैया जल से दो नैना, वो जल से दो नैना, चंद्र बदन दी गो ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया हरे
वनस्पत शांतर विश्व देवा शांतिरम शांति सर्वगुण शांति शांतिरव शांति सामा शांति रे धे बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय जगदम्बा महारानी की जय सदगुरुदेव भगवान की जय जयकारा शेरा वालिका बोल साचे दरबार की।